हाय गाइस, आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक ऑक्सीमीटर की। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी रिसेंटली उसको अमेजोन से परचेस किया हुआ है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग के पास वो होना चाहिए। तो चलो उसको अनबॉक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको ओपन कर दिया दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, पैकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब प्रॉपरली एकदम फिट बॉक्स के अंदर आया था। एंड दिस इज़ सम डॉक्यूमेंट जो नॉर्मली हम लोग को अमेजोन से मिलता है, द इनवॉइस है बेसिकली ये। और ये हम लोग का अंदर है ऑक्सीमीटर जो कि प्रॉपर वाइट कलर के बॉक्स में आ रहा है। और ये जो ब्रांड है वो है डॉक्टर ट्रस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा नोन ब्रांड है और दैट इज़ द रीज़न आई हैव बॉट दिस ऑक्सीमीटर। तो आप देख सकते हो ऑक्सीमीटर की ओवरऑल मतलब पैकेजिंग कैसी है और यहाँ पे कुछ उसके फीचर्स दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हो, ये सबसे पहले तो मतलब एक ड्यूअल कलर OLED डिस्प्ले इसके अंदर आता है। इसमें अलार्म फंक्शन भी है, मल्टी डायरेक्शनल डिस्प्ले इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। PI इंडेक्स जो है वो भी ये हम लोग को बताता है, पर प्लस ये ज़्यादा पोर्टेबल भी है और इसमें डिस्प्ले मोड भी काफ़ी ज़्यादा है, कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। सेकंड, हम लोग इसके अंदर पल्स तो हम मतलब जो पल्स जो ऑक्सीजन जो है वो तो ऑब्वियसली हम लोग को पता चलेगा, बट इसके अलावा हम लोग रेस्पिरेशन जो हम लोग का रेट होता है वो भी हम लोग इससे पता कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा यू नो फीचर्स इसके अंदर उन्होंने दिए हैं, जिसके अंदर अलार्म भी है अगर एबनॉर्मल से ज़्यादा, अगर सपोज़ आपका ऑक्सीजन है या फिर कोई दूसरा पैरामीटर है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली अलार्म ट्रिगर हो जाएगा। ओके सो दोस्तों, चलिए अभी इसको ओपन करके देखते हैं अंदर एग्जैक्टली हम लोग का प्रोडक्ट कैसा है, और हम लोग आगे देखेंगे भी उसको ओपन करके कि कैसे हम लोग को इसको यूज़ करना है। तो अंदर भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग को मिलेंगे ऑब्वियसली, कुछ मैनुअल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये उसका वारंटी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट है और ये है उसका यूज़र मैनुअल जो हमें यूज़ करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स। और इसके अंदर दो बैटरी आती है राइट, और ये है हम लोग का ऑक्सीमीटर। सो ओवरऑल उसका जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और बहुत ज़्यादा यू नो प्रीमियम दिखता है। और ये है लैनयार्ड, इसके साथ अगर हमें यूज़ करना है तो उसको भी हम लोग अटैच करके रख सकते हैं, तो उसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसका यू नो फिज़िकल मेक देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यू नो स्ट्रांग दिख रहा है और दो बटन से एक पावर का दिख रहा है और दूसरा एक M है, आई थिंक वो डिस्प्ले रिलेटेड कुछ होगा। ओके तो यहाँ से हमें बैटरीज ऐड करनी है अंदर, तो चलिए ओपन करके बैटरीज को ऐड करते हैं और चालू करके देखेंगे। सो लेट्स ओपन दिस। ओके तो दो छोटी बैटरीज लगती है इसके अंदर, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। बट हर लोगों के मतलब अभी हर हर घर में तो ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर होना ही चाहिए, जैसे कोविड में ये एज अ यू नो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ऑक्सीजन है लेवल जो चेक करने के लिए। तो अगर ये हर घर में हो तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे इन्होंने निकालने के लिए बोला है ऊपर का कवर, तो ऑब्वियसली इसको निकालना पड़ेगा हमें जो डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं और निकालते हैं इसका कवर। ओके बहुत ज़्यादा ही टाइट है, इसको हम लोग ने अभी निकाल दिया है। एंड नाउ यू कैन सी दिस OLED डिस्प्ले इज़ देयर एंड लेट्स पावर ऑन। पावर ऑन करके अभी देखते हैं इसको कैसे पावर करना है। यस दिस इज़ द पावर बटन, आप देख सकते हो डॉक्टर ट्रस्ट यहाँ पे लिख के आया है। एंड SpO2 जो ब्लड सेचुरेशन जो मतलब ऑक्सीजन है वो वहाँ पे दिख रहा है और फिंगर आउट बता रहा है, तो ऑब्वियसली अभी फिंगर अंदर नहीं है तो इसलिए फिंगर आउट है। और ओके आई थिंक ये ऑटो शट डाउन हो गया, तो ये इसके अंदर ऑटो शट डाउन ऑप्शन भी है, तो फिर से चालू करते हैं। तो अगर हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटो शट डाउन होगा। तो जैसे अभी देखिए मैंने फिंगर इसको अंदर ऐड कर ली है, तो इट इज़ ट्राइंग टू कैलकुलेट। यहाँ पे देखो वेव्स आपको दिख रहे हैं। ओके तो ये जो ऑक्सीजन है ये अभी मेजर कर रहा है 98, तो एज ऑफ नाउ तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में वो 98 दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग को जो हार्ट बीट्स है वो भी यहाँ पे कैलकुलेट होती दिख रही है। इसको अभी मैंने निकाल दिया, फिर से मैं ऐड कर रहा हूँ तो जस्ट चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर एक्यूरेट दे रहा है या फिर कुछ ज़्यादा चेंजेस दिख रहे हैं। ओके राइट, तो अभी 98 फिर से 98 दिख रहा है और साइड में जो 95 है वो हार्ट बीट्स है, तो वो भी कैलकुलेट प्रॉपर कर रहा है। प्लस इसमें आप देख सकते हो PI इंडेक्स भी है और यहाँ पे हम लोग का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है,
जो है 21। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, हर घर में ये होना चाहिए एज ऑफ नाउ टू चेक दिस थिंग, यू नो, ऑक्सीजन एट द इनिशियल लेवल, राइट? बिकॉज आपको सबको पता है कि कोविड में ऑक्सीजन लेवल है वही ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है एंड देन इट विल बी अ क्रिटिकल कंडीशन। तो एवरीबडी शुड हैव दिस स्मॉल डिवाइस विच इज़ वेरी यूजफुल। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग कंज्यूमर जिला। यहाँ पर आपको ऐसे ही तरह के नए नए जो भी यू नो प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ करता हूँ उसके रिव्यू मैं हॉनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे इसको कैसे यूज़ करना है, ऑक्सीमीटर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।